بسم الله الرحمن الرحيم अब्बाजान, क्यों ना हम यहां कुछ देर रुककर आराम कर लें। ठीक है, यहां पानी की गूंज सुनाई दे रही है, यह जगह काफी मुनासिब है। वाकई जगह तो काफी मुनासिब लगती है। आओ। अब्बाजान, हमें अपनी जिंदगी की दास्तान सुनाएं। मगर तुम तो इससे वाकिफ हो, तुमने मेरे साथ ही जिंदगी गुजारी है। लेकिन कुछ वाकयात ऐसे भी हैं जिनमें हम आपके साथ नहीं थे। ठीक है, मैं शुरू से सुनाता हूँ। आपकी कहानी हमें हमेशा अच्छी लगती है अब्बाजान। आपकी दास्तानें तो हर दौर में सुनाई जाएंगी। कहा जाएगा कि मूसा ने अल्लाह ताला से रूबरू गुफ्तगू की थी। वो बड़ा कश्मकश का दौर था जब फिराउन ने इब्रानी नस्ल की हर औलादे नरीना के कत्ल का हुक्म जारी किया। वो लड़के जिनकी उम्र 2 साल या उससे कम थी। जानवर की चीखने की आवाज है। नहीं, ये किसी नन्हे बच्चे की चीख है। जाओ जरा देखो तो। शहजादी साहिबा, ये एक इब्रानी बच्चा मालूम होता है, देखिए तो। मेरे वालिद ने कई इब्रानी बच्चों का कत्ल किया है और उनकी शहजोरी हदें पार कर चुकी है। देखिए तो कितना खूबसूरत है ये।
मैं तुम्हें नाम दूंगी और मैं तुम्हें नाम देती हूँ मूसा। मूसा जो पानी से उभरा था, हम इसे मूसा पुकारेंगे। शहजादी थर्मोतिस इसलिए कि हमने इसे दरिया से निकाला है। हाँ, जिसे दरिया से निकाला। आप इसे अपने साथ नहीं रख सकती। मैं इसे अपने पास रखूंगी, ये मेरा मूसा है, एक मौजजाती बच्चा जिसे पानी से बाहर निकाला गया। अरे प्यारी बच्ची, यहाँ आओ। तुम इस बच्चे के बारे में क्या जानती हो? आ जाओ बच्ची, आ जाओ, डरो मत। कहो तुम्हें क्या कहना है? क्या आपको इस बच्चे के लिए खादमा की जरूरत है? हाँ जरूर, बुलाओ उसे। शहजादी साहिबा, आप इस बच्चे को आलीजा फिराउन ने आजम की नजरों से नहीं बचा पाएंगी। मैं इसे छुपाऊंगी नहीं, ये मेरा बेटा है मूसा। इस मौजजाती बच्चे को नील जैसे हयात बख्श दरिया ने मुझे दिया है। बुक पकड़े शहजादी साहिबा। इस बच्चे की परवरिश का मैं तुम्हें मुआवजा दूंगी। जी जी शहजादी, मैं आपसे वादा करती हूँ कि इसका ख्याल रखूंगी। आप भी बचपन में बहुत खूबसूरत रहे होंगे ताकि थर्मोतिस आपसे प्यार कर सके। हो सकता है, वैसे 5 साल तक तो मुझे मेरी माँ ने ही पाला। मैं फिराउन के महल में मिस्र के शहजादे की तरह पला बढ़ा, लेकिन गोशिम में मेरे दूसरे भाइयों का काम मुझे सिर्फ सदमा और जहनी अजियत देना था। अम्मा, कौम के बेटों की मुसीबतों को देखकर मेरा दिल कुड़ता है। मूसा, तुम गोशिम आने का कभी इरादा ना करना, तुम्हारी जगह तो महल में है मेरे बेटे। शहजादा होने के नाते ही मेरी तरबियत का हिस्सा है कि मैं मुल्क के तमाम इलाकों का दौरा करूं, सीखूं कि हुकूमत के इंतजामी उमूर कैसे संभालते हैं। मुझे जिम्मेदार बनाया गया है चिकनी मिट्टी वाले गढ़ों के इलाकों का। गोशिन के बाशिंदे तुंदही और मेहनत से तुम्हारे लिए काम करेंगे। मैं भी उनके लिए दयानतदार साबित होऊंगा। अम्मा जान, आप मेरी तरफ से यह तोहफा कबूल फरमाएं। शुक्रिया मेरे बच्चे। तुम्हारे साथ ये कीमती लम्हात गुजारते हुए मुझे जुर्म का एहसास होने लगता है। अम्मा, आप इसका बिल्कुल ख्याल ना करें। हो सकता है अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए कोई अहम काम सोच रखा हो। अल्लाह ने मुझे एक ऐसा बेटा अता किया है जो मिस्र के फरमानरवा खानदान के घर का शहजादा है। चलो चलो जल्दी करो। किस किस्म के गुलाम हो तुम लोग, कुत्तों से भी बदतर। चलो। चलो जल्दी करो, आज चलो अपने। चलो लो, हमारा शहजादा आ गया। क्या तुम अपनी काम वाली वर्दी नहीं पहनते? उन्हें दिन भर के लिए दिए गए कामों पर पूरा उतारना है। जी बेहतर है। आओ काम पर लग जाए। कुछ सुना तुमने?
सब ये कहते हैं कि फिराउन मेरे भाई को गोशेन का जिम्मेदार बनाने वाला है। आखिर क्यों नहीं, वो इसके लिए पूरी तरह काबिल है। मेरा ख्याल है कि अब सब कुछ बदल जाएगा। मुझे भी इस बात पर पूरा यकीन है। मेरे भाई ने तमाम मुहाफिजों के लिए काफी मुसीबत खड़ी कर दी है। उन्हें अपने कूड़े फेंक कर खुद काम पर लग जाना होगा। उन्हें भी वैसा ही करना होगा जैसा कि मेरा भाई मूसा करता है। ये अपने आप में एक इंसाफ है। वक्त आ गया है कि गोशेन के आवाम की तकलीफों को महसूस किया जाए और उनसे तबादले खिदमत की जाए। मुझे तो अपने बेटे पर बहुत फख्र है। मेरा मानना है वो शायद हमारे सभी लोगों के लिए उम्मीद का वायस हो। हाँ, पर तुम ये बात बिल्कुल मत भूलना कि वो दुश्मन भी इकट्ठा कर रहा है। मूसा, एक अदना सी चीज, सिर्फ एक छोटा सा बच्चा जो दरिया में तैरती किसी टोकरी में पड़ा था, और अब देखो कि वो क्या बन गया है। अल्लाह पाक उसे महफूज रखे। अब्बा जान, पता है आपको, वो तो इब्रानी भी ठीक तरह से बोल नहीं पाता। वो तो आपकी सोच से भी ज्यादा मिस्री है, और फिराउन का गोद लिया बेटा भी। इसके बावजूद वो इब्रानी भी है और हमारा बेटा भी। क्या ये मर गया? हाँ, ये मर गया। उन्होंने जरूरत से ज्यादा ईंटें इस पर लाद दी थी। कहाँ है वो? वो रफाए हाजत के लिए गया है। ठीक है, अपने काम पर लग जाओ। मेरे किसी आदमी को कोड़े से मारने की कोशिश न करना, समझे तुम? मूसा, तुम मेरे लिए बहुत सी मुसीबतें खड़ी कर चुके हो। ये मत समझो कि तुम इन गुलामों से ऊंचे हो। मैं तुम्हें इस डंडे से मारूंगा। ये क्या हुआ? ये तो मर गया। ये तो बहुत मुश्किल हो गई। किसी आदमी को कत्ल करके कैसा महसूस हुआ? आपने इस बारे में हमें बताया ही नहीं। जब मुझे अपनी नाकाबिल तलाफी गलती का एहसास हुआ, मैं शदीद ज़हनी अज़ियत में रोता रहा और मेरी रूह इस एहसास गुनाह में मुब्तला रही। क्या आपको अपने किए पर अब भी शर्मिंदगी होती है? एक मिस्री के पीटने से एक बूढ़ा मर गया। काश कत्ल करने के सिवा कोई और रास्ता होता। हो सकता है कि वो वाक्य हमारी बेहतरी के लिए हुआ हो। कत्ल में कोई बेहतरी नहीं होती बेटे। फिर उसके बाद फिराउन ने क्या किया? उसने चारों तरफ अपने सिपाही दौड़ा दिए। उसे मेरा सर चाहिए था। मूसा, तुम यहां क्यों आए हो? किस तरह वो लोग हम तक पहुंच जाएंगे? बस कर मरियम। मूसा, तुम ठीक हो ना? हाँ, ठीक हूँ। तुम्हें जाना होगा मूसा। तुम्हारे साथ हम सब यहाँ खतरे में हैं। पूरा महल दीवाना वार उस कातिल की तलाश में है जिसने उस मिस्री का कत्ल किया। फिराउन तुम्हारा सर चाहता है। आज मुझसे गुनाह हो गया है, मैंने एक इंसान को मार डाला। मूसा, तुम्हें फौरन मिस्र छोड़कर चले जाना चाहिए, और तुम मेरे बेटे के जाने का इंतजाम करो। तुम्हें अब जाना चाहिए मेरे बेटे। मुझे अफसोस है कि मैंने आप सबको खतरे में डाल दिया। हाँ मूसा, तुमने हमें सख्त खतरनाक हालात में ला खड़ा किया है। मैं बेहद माफी चाहता हूँ। वो एक बूढ़े मजदूर की पिटाई कर रहा था, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। तुम इससे क्या चाहती हो मरियम? इसकी सख्त मिजाजी ने ही इसे ऐसे हालात में ढकेला है। तो क्या? मेरे करीब आओ। इब्राहिम, इसहाक और याकूब के अल्लाह का साया तुम पर कायम रहे।
चलो हटो, पहले हमें पानी भरने दो। आओ सफूरा, हम इनको बाद में पानी देंगे। क्यों तुम हमेशा अपनी टांग अड़ाते रहते हो? चले जाओ यहाँ से। सफूरा, तुम मुझसे हाँ कब कहोगी? कभी नहीं कहूंगी। तुम कभी मुझसे ये नहीं सुन सकते ईश। सफूरा, इस दुनिया में मैं ही वो वाहिद शख्स हूँ जो तुम्हें पाल सकता है। तुम इसे पालना कहते हो? यहाँ से चले जाओ। छोड़ दो उसे, उसका रास्ता छोड़ दो। मैं नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, मैं सिर्फ खेल रहा था। वो जानती है कि मैं सिर्फ उसके साथ खेल रहा था। दफा हो जाओ। उसे देखा तुमने? वो किस तरह इसकी तरफ घूर रहा था। वो मजबूत व तवाना जिस्म का मालिक था, ताकतवर। सफूरा, तुम तो पिघल कर ही रह गई। उसने कोई मेहरबानी नहीं की, वो तुम्हारी तरफ से नजर हटा ही नहीं सका। क्या बात है, आज तो इतनी देर से क्यों आई है? रेगिस्तान से एक निहायत हैरत अंगेज मिस्र निकल आया। उसने सिर्फ एक लफ्ज कहा, उसने हुक्म दिया कि हमें अकेला छोड़ दे, इसके सिवा और कुछ नहीं। वो भी मजबूत व तवाना था जो रेगिस्तान से उभर कर आया, हमें मालूम नहीं कहाँ से। उन्होंने सोचा कि वो कोई भूत या और कुछ है। कहाँ है वो मिस्री शख्स? मजबूत व तवाना मेरी प्यारी बेटियों को बचाने वाला, क्यों ना वो सात दस्तरखान पर हमारे मुल्क की बेहतरीन चीजें खाए। मैं इस गैर मुल्की का मखरूज हूँ। मैं जा रही हूँ। जाओ तुम सब लोग, उसे दावत दो ताकि हम आज रात जश्न मना सकें। मैं तो बस जश्न मनाने का बहाना ही ढूंढ रहा था। मैंने तुम्हारी माँ सफोरा से शादी कर ली और हम लोग मिदियान में 40 साल तक रहे। और मिस्र में आपके खानदान वालों का क्या हुआ? उनकी और मुल्क मिस्र की भी मुझे कोई खबर नहीं मिली, और खुद मैंने भी मालूम करने की कोशिश नहीं की। वो क्या अब्बा जान? मैं बहुत ही खुशहाल जिंदगी गुजार रहा था तुम्हारी अम्मी और तुम्हारे दादा जान जेथुरू के साथ, फिर तुम पैदा हुए मेरे बेटे। चाचा जान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खुश आमदीद। चाचा जान, मैं अपने बेटे की खतना चाहता हूँ। मैं इसका नाम गर्शोम रखूंगा, क्योंकि मैं यहाँ एक अजनबी हूँ और आपने मेरा इस्तकबाल किया है। जैसी आपकी मर्जी, लेकिन अपने बच्चे की खतना न करवाइए, जैसा कि आपका इरादा है। चाचा जान, अल्लाह ताला से ये हमारा मुहायदा है। उसा, तुमने कहा था कि दोबारा मिस्र कभी नहीं जाओगे, अब हम लोग आप ही के हैं तो अल्लाह से आपका क्या मुहायदा है? ये मुहायदा हमारे जद्दे अमजद इब्राहिम का है कि हर लड़के की खतना की जानी चाहिए, मेरे बेटे की भी। सफोरा बच्चे की खतना नहीं करवाना चाहती, और वो तुमसे बहुत प्यार करती है मूसा। मैं उससे अपनी जिंदगी से ज्यादा प्यार करता हूं, लेकिन अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक हमें बच्चे की खतना करवानी चाहिए। क्या तुम्हारा अल्लाह ये नहीं समझता कि इस तरह खानदान बढ़ जाएगा? मुझे पता नहीं, लेकिन मैं इसके बारे में जरूर पूछूंगा। और क्यों नहीं उससे पूछ लो, पूछो उससे। ऐ मेरे वालिद इब्राहिम के अल्लाह, ऐ मेरे वालिद इसहाक के अल्लाह, ऐ मेरे वालिद याकूब के अल्लाह, मुझे इस जिंदगी से प्यार है और मैं इसी तरह जीना चाहूंगा। मैं बहुत मोहब्बत करता हूं अपनी बीवी सफोरा से और बेटे गर्शोम से। मुझे राह दिखा या अल्लाह, और हमेशा वो रास्ते दिखा जिन पर मैं चल सकूं। अस्सलाम वालेकुम मेरे सरताज। वालेकुम अस्सलाम सफोरा। मैं आपके लिए खाने और मशरूबात लाई हूं बराए करम। शुक्रिया।
अल्लाह का एहसान है। मैं फिर से हामिला हो गई हूं मूसा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रहीम व करीम है, उसने हमें सुकून की जिंदगी दी। पैदा होने वाला बच्चा औलादे नरी ना हो तो मैं आपको इजाजत देती हूँ कि उसकी खतना कर दे। क्या हुआ मेरी प्यारी सौजा? मुझे आपके अल्लाह से डर लगता है। मैं नहीं चाहती कि वो गुस्सा हो जाए या ये सोचे कि मैं उसका एहतराम नहीं करती, क्योंकि मैंने आपको अपने बेटे गर्शम के खतना से मना कर दिया था। हम मिस्र का दौरा करके ये देखना चाहते हैं कि आप कहाँ रहते थे। मैं दोबारा मिस्र नहीं जाना चाहता। क्या आप अभी समझते कि गोशन वहाँ है? हाँ, गोशन वही है। मेरे लिए ये ऐसा ही है जैसे मैं दो लोगों के बीच अटक गया और एक ऐसे फसील पर बैठा हूं जो दो दुनियाओं को अलग करती है। मैं दो पहचानों से जद्दोजहद कर रहा था जो कभी एक साथ नहीं हो सकती। आपका मतलब दो भाइयों के दरमियान जो आपस में झगड़ते हों? हाँ बिल्कुल, ऐसे दो भाइयों की तरह, जबकि मुझे दोनों से मोहब्बत है, लेकिन वो दोनों कभी एक दूसरे से राजी नहीं होना चाहते। एक दिन उनमें से एक खड़ा हो गया जिसने दूसरे को कत्ल कर दिया, सो मैंने निजात की खातिर गुरेज किया। मुझे खुशी है कि आपने ऐसा गुरेज किया अब्बा जान, वरना हम पैदा ही ना हो पाते। वाकई ताज्जुब है कि बेहतरी भी किसी खौफजदा शुरुआत से निकल कर आ सकती है। तुम दोनों मेरी जिंदगी की दी हुई बख्शिश हो, और मैं एक चरवाहा था और मेरे पास एक चरवाहे का दिल है, इसमें कोई ताज्जुब नहीं। लेकिन अब्बा जान, आप तो एक शहजादे हो और आपके पास शहजादे का दिल है। ये सच है, मैं शहजादे की तरह पला बढ़ा, लेकिन मेरा दिल हमेशा चरवाहे का था। बराए करम, तुमने हमेशा मुझे मात दी है। मैं आपके लिए कुछ लाई हूं, ये लीजिए। तुम कहां जा रहे हो? कल सुबह मैं और मेरा बेटा रेगिस्तान के पिछले हिस्से में अपने मवेशियों का गोल ले जाएंगे। क्या आप लंबे फासले पर जाएंगे? मैं नहीं जानता सफूरा। मैं जानता हूं ये लंबा फासला होगा। अपना ख्याल रखना, बखैरियत वापस आ जाना। इंशाअल्लाह मैं आ जाऊंगा। खुदा करे सुबह बखैर हो। अपना ख्याल रखिए चचा जान। और आप भी। खुदा हाफिज प्यारी सौजा। बच्चों अपने वालिद का ख्याल रखना। बिल्कुल फिक्र ना करें अम्मी, हम पूरा ख्याल रखेंगे। रेवड़ से एक बकरी गायब हो गई है, तुम यहीं मेरा इंतजार करो, मैं उसको ढूंढ कर लाता हूं।
मैं भी साथ चलूंगा अब्बाजान। नहीं, रहने दो, तुम अपने भाई के साथ रहो। अब्बाजान देर ना करिएगा, मेरे आने तक आराम करो। अचानक झाड़ियां पुकारती हैं। मूसा, मैं यहां हूं। मूसा, नजदीक मत आना और अपने जूते निकाल लो, क्योंकि ये मुकद्दस जगह है। मूसा, मैं तुम्हारे वालिद का अल्लाह हूं और इब्राहिम का अल्लाह। मूसा, मैंने मिस्र में रहने वालों की रुसवाई और ज़िल्लत देखी है, इसलिए आपको मिस्र से निकाल कर ऐसी जगह अता करूंगा जहां दूध और शहद की नहरें बहती हैं। मैं तुम्हें फिरौन के पास भेजूंगा ताकि तुम आले इसराइल को मिस्र से निकाल ले जाओ। लेकिन फिरौन के पास जाने वाला मैं कौन होता हूँ? मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम मिस्र से लोगों को बाहर निकाल लाओगे और उन पहाड़ियों पर अपने अल्लाह की इबादत करोगे। किन से ये कहूंगा कि भेजा गया हूँ? गोशन के उम्र रसीदा लोगों को जमा करो और उनसे कहो, मैंने तुम्हें भेजा है, जो तुम्हारा अल्लाह है और तुम्हारे जद्द इब्राहिम का। लेकिन अगर उन्होंने मेरा यकीन न किया तो? मूसा, तुम्हारे हाथ में क्या चीज है? असा। इसे जमीन पर फेंक दो। इसे तुम तरफ से पकड़ो। अब हाथ अपने चौके में न डालो। अब बाहर निकाला। कौन है इंसान के मुंह का खालिक? किसने बनाया गूंगा, पहरा, दीना या नाबीना? क्या वो खालिक अल्लाह नहीं है? अब तुम जाओ, मैं तुम्हारे मुंह को बोलना सिखाऊंगा और तुम्हें ये सिखाऊंगा कि क्या कहना है। आप मेरे अल्लाह हैं। मैं बोलचाल में अच्छा नहीं हूँ, मैं हक लाता हूँ। क्या तुम्हारा भाई नहीं? वो तुमसे मिलने आ रहा है। मैं अपने अल्फाज उसके मुंह में डालूंगा और फिर मैं तुम्हारे और हारून के साथ। हारून लोगों के लिए तुम्हारे अल्फाज का तर्जुमान होगा और फिराउन के सामने अपने मौजज़ा दिखाना। लेकिन मैं फिराउन के दिल को सख्त कर दूंगा और तुम लोगे। इसराइल मेरा बेटा है, बल्कि मेरा पहला बेटा। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसराइल को जाने दो, और अगर तुमने उसे नहीं जाने दिया तो मैं तुम्हारी पहली औलाद को नेस्तो नाबूद कर दूंगा। अली आज़र, गर्शों, बकरियों को इकट्ठा करो, हम घर वापस जाएंगे। लेकिन क्यों अब्बाजान? आपने कहा था कि ये एक लंबा सफर होगा। हाँ कहा था, लेकिन अब अल्लाह ताला को कुछ और ही मंजूर है। अब्बाजान मुझे बताइए, आप ठीक तो है ना? हाँ मेरे बेटे, चलो चलते हैं। Thank you.
अस्सलाम वालेकुम चाचा जान। वालेकुम अस्सलाम। बैठ जाओ मूसा, कुछ खा लो। बैठो, कुछ खा लो, बैठ जाओ। मैं हमेशा इससे लुत्फंदोज होता हूँ। अचानक रेगिस्तान से लौट क्यों आए? इसलिए कि मुझे मिस्र जाना होगा, ये देखने के लिए कि मेरा खानदान और मेरे लोग अब तक जिंदा है या नहीं। तुम ठीक तो हो? बिल्कुल ठीक, लेकिन मुझे मिस्र लौटना ही होगा। मैं जानता था कि जल्दी या देर से तुम वहां जरूर लौटोगे। 40 बरस बीत चुके हैं। यकीन कीजिए चाचा जान, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे लौटना होगा, लेकिन फिक्र न करें, मैं वहां रुकूंगा नहीं, जल्द ही लौट आऊंगा। और बच्चों का क्या होगा? और सफोरा? उन्हें भी साथ में ले जाऊंगा ताकि वो मेरे खानदान को जान सके। मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं, जो कभी खत्म ना होंगी। तुम्हारा सफर सकून और आराम से गुजरे। मैं खच्चर का बंदोबस्त करता हूं। आप मेरे लिए अल्लाह का तोहफा है, मैंने आपके साथ 40 साल गुजारे हैं। कमाल है, पलक झपकते ही वो वक्त गुजर गया। तुमसे शादी का रिश्ता जोड़कर कोई भी शख्स फख्र महसूस करेगा। काश मिदियान का हर बाशिंदा तुम्हारी तरह होगा। खाइए। अब्बा जान, आपने पूरी दास्तान दादा जान को क्यों नहीं सुनाई? मैं इसमें क्या कह सकता था, ये कह देता कि अल्लाह ताला का हुक्म है कि मैं फिरौन के सामने मौजजात दिखाऊं, और अगर उसने मेरे लोगों को जाने से रोका तो अल्लाह पाक फिरौन का दिल सख्त कर देगा और उसकी पहली औलाद को नेस्तो नाबूद भी कर देगा। तुम्हारे दादा जान जेथ्रू एक अच्छे इंसान है बेटे। अब्बा जान, क्या आप खौफ ज़दा थे? यकीनन सहमा हुआ था, वो कोई पागल ही होता जो डर ना जाता। ये जगह काफी अच्छी है, आज की शब हम यहीं कायम करेंगे। जाओ बच्चों, लकड़ियां इकट्ठी करके लाओ। मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। मूसा, इसका बदन तो बुरी तरह तप रहा है, लगता है अचानक बुखार का शिकार हो गया है ये। इसकी खतना करवानी चाहिए। ये किस किस्म की दवा है? हम लोग कई बार इसका जिक्र कर चुके हैं। हमें लाजमी तौर पर इसकी खतना करवानी चाहिए। क्यों? सफोरा, हम लोग मिस्र जा रहे हैं क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें भेजा है। मैंने आपसे खतना करवाने की वजह पूछी है मेरे सरताज, तो आपने ये मिस्र का तज़किरा क्यों शुरू कर दिया? और आपने मिदियन छोड़ने से पहले उसके बारे में कुछ बताया ही नहीं। मैं नहीं चाहता था कि जेथ्रो इस बारे में फिक्रमंद हो जाए, और मुझे यकीन है कि वहां से रुखसत होने पर बताता तो तुम मेरे साथ ना आना चाहती। लेकिन आप तो जानते हैं, आप जहां कहीं भी कहेंगे मैं आपके साथ चलूंगी। मैंने एक जलती हुई झाड़ी देखी है, अल्लाह ने उस दहकती झाड़ी के जरिए मुझसे गुफ्तगू की। सफर, अल्लाह ने आपसे बात की? हाँ, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के अल्लाह ने मुझसे गुफ्तगू की। उसी ने मुझे मिस्र भेजा है फिरौन से बात करने के लिए। क्या अल्लाह आपको फिरौन बनाना चाहता है? नहीं मेरे बेटे, अल्लाह अपने लोगों को निजात दिलाना चाहता है। सफोरा। क्या हुआ? सफोरा, मुझे कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा। लगता है आप पर भी बुखार का असर हो रहा है। चलिए। मुझे ठंड लग रही है सफोरा, कुछ ओढ़ा दो। आपको बुखार हो गया है मेरे सरताज। अब हमें गर्शोम की खतना करवानी ही होगी सफोरा, वो हमारी पहली औलाद है और वो अब तक हम लोगों के मुआहदे में दाखिल नहीं हुआ है। आपके कहने का मतलब क्या है?
अल्लाह मिस्र के हर पहले बच्चे को हमें गर्शोम का खतना करवाना ही है। मुझे अल्लाह ताला का हुक्म मानना ही होगा। मैं मर जाऊंगा सफोरा, मैं बीमार हूँ, मैं बहुत थक चुका हूँ। आप ऐसा न कहिए मेरे सरताज, बस आराम कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा मेरे सरताज। अम्मी, क्या कोई फिक्र की बात है? अब्बा जान बीमार क्यों पड़ गए? तुम्हारे वालिद एक बटे हुए इंसान है अली अजहर, मैं तो बस इतना ही समझती हूँ। तुम्हारे अब्बा का आधा दिल मिस्र में है और उनका आधा दिल गोशिन में था, और अब अल्लाह ताला चाहता है कि उनका पूरा दिल गोशिन में हो जाए, क्योंकि वो इब्रानी हैं। और आप क्या करेंगे? चकमक का पत्थर ला दो। चकमक का पत्थर? इसलिए? मैं जो कह रही हूँ वही करो। गर्शोम, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है? हाँ, बेहतर है। अल्हम्दुलिल्लाह, अब बुखार बिल्कुल रुखसत हो गया है। अली अजहर, अब उठो और खच्चरों पर जीने कस दो। और अब्बा जान को यहीं छोड़ जाए? फिक्र न करो अली अजहर। अम्मी, हाँ? मुझे क्या हुआ है? अल्लाह पाक ने तुम्हें सेहत अता की है, फिक्र न करो, हम तुम्हें गधे की सवारी करने में मदद करेंगे। उठो अली अजहर, जल्दी करो। मेरे सरताज, मेरे प्यारे, मेरे बेहतरीन दोस्त, मैं अपने दोनों बेटों के साथ मिदियन लौट जाऊंगी। आप हमारी बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिएगा। आप एक अजीम काम के लिए मुकर्रर किए गए हैं। जाइए और अल्लाह ताला का हुक्म बजा लाइए। मैं हमेशा से महसूस करती थी कि अल्लाह ने आपको एक अजीम मकसद के लिए मुंतखब किया है। हे, कौन है? मूसा, हारून।